कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग अब बस निकल रहे हैं घूमने के लिए। फर्स्ट डे हम लोग अब घूमेंगे, तो बस सब रेडी हो चुके हैं। चाय पी लगे भैया? हाँ, चलो फिर हम लोग अब निकलते हैं। अरे तुम लोग रेडी हो गए सब? अखिल भैया रेडी हो गया तू? चले तो गाइस हम लोग डबल डेकर बस में जाने वाले हैं। ये अब हम ऊपर जाते हैं, डायरेक्ट ऊपर चलेंगे अब, ठीक है? ऊपर का देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट टाइम ब्लैक सोफे तुम लोगों ने पहले से बुक कर ली क्या अपनी सीट? वो ऐसी बना रखा है ना। ये अरे भैया क्या करने का इरादा है भाई, अभी सो जाएगा क्या तू? संगीत की सभा लगी है अभी यहाँ पर। ढोल नगाड़े लेके आने पड़ेगा कुछ ना कुछ। अभी म्यूजिक भी होगा, सही स्पीकर लगे हुए हैं, डांस वांस होगा। सीरियसली? हाँ डांस होगा। ये दोस्तों ये है डबल डेकर बस, और हमने इसको पहले से बुक करा दिया। ये बच्चों के लिए सरप्राइज था, हम लोगों को पता था ओनली, और वह सरप्राइज। तो हमारा फर्स्ट डे है डबल डेकर में, हम हर जगह घूमने वाले हैं जहाँ ये हमें घुमाने वाली है। ये आशा कुछ कहना चाहेगा भैया? क्या कह रहा है? तो हम लोग सब यहाँ से घूमने जाने वाले हैं बस। ये स्टार्ट कितने बजे है, इसका टाइमिंग क्या है? 9 AM। हम तो अभी 9 बजे पहुँच चुके हैं, आई थिंक 9:15 के अराउंड ही निकल जाएगी, 9:15 के अराउंड ये चलने में स्टार्ट हो जाएगी। और ये इवनिंग तक हमें घुमाती रहेगी जहाँ जहाँ ये घुमा सकती है, और मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ कहाँ हमें लेके गई है। एंड मैक्सिमम सारे अहमदाबाद के सारे टूरिस्ट प्लेस ये हमें लेके जाने वाले हैं, और हमें यहाँ से एक गाइड भी मिलेंगे यहाँ पे, वो हमें बताएंगे कि कहाँ कहाँ जाने वाले हैं हम लोग। हाँ वो हो सकता है भाई। तो हम लोग चल पड़े हैं। ये हवा अच्छी लग रही है। ये क्या हो रहा है भाई, अकेले अकेले फोटो हो रही है वहाँ पे? मीटू 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 जल्दी आओ, छोटे आओ, आगे आओ। वाओ ये हम है फ्रंट में, बहुत ही मजा आ रहा है भाई। भैया तू क्या कर रहा है? अच्छा जूते उतार रहा है, नहीं रहने दे भाई। दोस्तों बहुत ज्यादा मजा आने वाला है भाई, बहुत चिल हवा लग रही है। ये हम उड़ रहे उड़ रहे उड़ रहे उड़ रहे उड़ रहे, क्रॉस 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 क्रॉस। ये भैया कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अहमदाबाद आओ तो आपको इस बस में आना ही आना है। हाँ नहीं तो कोई मजा नहीं है ना, क्योंकि ये बस जो है एक ही दिन में आपको मैक्सिमम प्लेसेस लेके जा सकती है, जितना आप एक दिन में घूम नहीं पाओगे अपने आप से। और ये अभी मैं अब जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं आपको पता चलता रहेगा कहाँ कहाँ गए हैं भाई, बस कहाँ कहाँ जाती है, सबसे बड़ी बात ये। कपिल को फोटोग्राफर बना दिया क्या आपका?
कपिल मेरी भी ले लिया यार यहाँ से गाड़ी फोटो। बसा कितनी छोटी लग रही है, सही में टीटी सी छोटी लग रही है। देखते हमारा फर्स्ट प्लेस कौन सा होता है। भैया हमारे गाइड नहीं है अभी तक। हाँ क्या होता नीचे हो, क्योंकि इस बस में गवर्नमेंट की तरफ से गाइड भी है। हाँ आराम आराम चल रहे हैं कि हम थोड़ा एंजॉय करते हुए देखते रहे। पार्क है यहाँ पे। ओ वाओ, अरे मेरा टर्न आएगा तो बताना ठीक है। हाथ हिला दे भाई, सही रहो ये टच होते हुए गया उसके लिए। अच्छा भाई, अच्छा हां ये टच होएंगे नीचे से हमारे भाई का भी। बैठ जा अखिल, अरे तकिया दो अखिल को यार। दोस्तों हम लोग फर्स्ट स्टॉप पे आ चुके हैं, बट यहाँ पे अभी दूर दूर तक मुझे ग्राउंड दिख रहा है, तो बस रुक गई है, अब हम लोग चलते हैं। दूर से लेते हैं। मयूर नाम है ना गाइड साहब का। अच्छा मयूर नाम है भैया का जो हमें गाइड करने वाले हैं कि हम लोग कहाँ आ गए हैं। तो ये हमारी बस डबल डेकर, और आप लोग भी बुक कर सकते हैं, हमने एक महीने पहले इसको बुक कर लिया था, एक महीने अप्रॉक्सीमेटली। और ये है यहाँ पे नंबर, आप इसमें से बुक कर सकते हैं। अरे सर फोटो ले रहे हो मेरे को छोड़ के। अच्छा अच्छा, तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप जहाँ पे आए हो ये रिवर फ्रंट, ठीक है। रिवर फ्रंट बनाया गया था 2014 में, काम शुरू हुआ था 2005 से, लेकिन जो प्रोजेक्ट खत्म हुआ पूरा वो 2014 में। एरिया जो रिवर फ्रंट का कहते सीधा, ठीक है, वो साढ़े 11 किलोमीटर का है, जिसपे अभी 7 ब्रिजेस है और दो नए ब्रिज है जो अभी बन रहे हैं, ठीक है। पब्लिक अट्रैक्शन के लिए यहाँ पे साइकिलिंग, बोटिंग, रिवर साइड रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पे रहते हैं, और जो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है जनवरी में ये भी यहीं पे होता है।
यहाँ से बोटिंग नहीं कर सकते इस वक्त क्योंकि 10 बजे से यहाँ से बोटिंग स्टार्ट होती है। ये तो खिंचवाने में लग चुके हैं। बहुत गर्मी लग रही है, मुझे लगा था दिल्ली जैसी ठंड है बट यहाँ ठंड थोड़ी सी कम है दिल्ली से, और आज और तेज धूप निकली हुई है तो मुझे गर्मी लग रही है अब। अरे तुम लोगों का हो गया हो तो जल्दी चलो, क्या हो रहा है भाई? अभी तो कह रहा था कि कोई फोटो अच्छी नहीं आ रही। ओ भाई साहब, भाई साहब तू कैमरे के आगे हो तो भाई अच्छे पोज आ रहे हर जगह से। यार ये तो चीटिंग हो गई भाई, घोर चीटिंग। मैं इनको ये क्या था, मतलब बीच में आगे बढ़ रहे हीरो बन रहे हैं। सही में यो बे भाई, अरे भाई फिर से शुरुआत होगी तुम्हारी। तो बता देती हूँ कि इसका जो चार्ज है डबल डेकर जो जिस बस में हम बैठे हुए हैं इसका चार्ज है 500 पर हेड। तो अभी हम लोग रिवर फ्रंट होके आ चुके हैं, हमारी जो फर्स्ट प्लेस है वो रिवर फ्रंट थी। तो अब हम लोग फिर से बैठ चुके हैं बस में, अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट प्लेस कौन सी है। अरे रोक दी, हम उतरना है यहाँ पे, चलो फिर। हिटर 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 हिटर। अरे वाह यार, हमें तो शीशा दिखाई नहीं क्योंकि हम लोग अंदर इतना आए ही नहीं, तेज नजर आए ना ये। यहाँ तो हम अभी तक बैठे ही नहीं है, यहाँ बैठे ही नहीं है, देखना चलो चलो चलते। आ जाओ भाभी देख क्या। यार मास्क भूल जा रहा हूँ। ये क्या है, ये क्या जो है तो बता रहे हैं टिकट में देखने के लिए आए हैं तो चीज़, ठीक है वो ये वाली है, इसे कहते हैं सीधी शेयर की जाली, कमोस्टी और सीधी शेयर। सीधी शेयर की जाली, सीधी शेयर की जाली। इसकी जो बनावट है वो 1572 से 1573 की है, यानी कि एक साल में ये बनाकर खड़ा हुआ था। बनाने वाले जो थे उनका नाम था सिद्दी सैयद, ठीक है। बाय ऑर्डर, जिसके ऑर्डर से बनाया था वो, जो जिसके ऑर्डर से बनाया था उनका नाम था झुंझार खान। जो झुंझार खान थे वो आर्मी चीफ थे, ठीक है, मुजफ्फर शाह के यहाँ के लिए। और वो जो टैक्स कलेक्ट करते थे, टैक्स कलेक्ट करके वो मस्जिद मकबरा वगैरह बनवाते थे। तो ये हेरिटेज जो प्लेस होते हैं उसमें क्यों शामिल है वो आप खुद देखोगे तो भी पता चल जाएगा कि उस समय पे 1500 के टाइम पे इतनी ज़्यादा जो बारीकी से काम वगैरह किया है वो उन्होंने, ठीक है। एक पत्थर में से जो जाली बनाई है वो गजब की बात है। अच्छा एक ही पत्थर में है ये? हाँ, जो जाली आपको दिख रही है ना वो वाली, हाँ वो एक ही पत्थर की है। टोटल तीन जाली थी, ठीक है। अभी दो जाली है यहाँ पे, तो एक जाली थी वो अंग्रेज जब यहाँ पे आए थे तो मॉडल देखने के लिए, दूसरा मॉडल बनाने के लिए उनके साथ ले गए थे, जो लंदन के एक म्यूजियम में अभी भी रखी हुई है, ठीक है। ये हम अंदर से भी विजिट कर सकते हैं। उसके पहले एक जाली के बारे में थोड़ा कुछ देख लेते हैं। एक ही पत्थर की है तो पहली वाली जाली है, उसमें बड़ा सा जो आपको पेड़ दिख रहा है ना वो कल्प वृक्ष है, यानी कि ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है। सेकंड और जो छोटे पेड़ है आपको देख सकते हैं, वो तुलसी है। पता है तुलसी क्या होती है? तुलसी का पौधा, और दो साइड में देखो तो डेट्स का पेड़, यानी कि जो खजूरी होती है खजूरी का पेड़ है, खजूर का पेड़, ठीक है। उनके धर्म में वो पवित्र माना जाता है क्योंकि वो जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे ज़्यादातर जो खाने में उनका यूज होता है वो खजूर, ठीक है। सेकंड चीज देखते हैं हम, जो सेकंड वे उसमें जो बड़ा सा आपको पेड़ दिख रहा है वो है बरगद का पेड़, द ग्रेट बनियन ट्री, जो अपने हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। और उसी के बीच में से एक और एक पेड़ निकला है जो सेम खजूरी का पेड़ है, यानी कि वो बताना चाहते हैं कि हमारे लिए हिंदू और मुस्लिम जो है
वो एक है, ठीक है। एक जो खजूरी का पेड़ निकला है उसके ऊपर छोटे छोटे एक निशान है देखो, हाँ वो उनके जो पवित्र धाम है मक्का मस्जिद, उनका प्रतीक है। तो यहाँ मंदिर से भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सब साथ में अंदर चलेंगे, ठीक है। हम बस आप साथ में जाने वाले हैं इसके अंदर, सिद्धि सैयद की जानी। तो अब हम सिद्धि साइड से निकल के आगे, अब देखते हैं न्यू प्लेस। अभी हम चल ही रहे हैं, मुझे लगता है पास में ही है थोड़ा सा, तो शायद भैया गाइड भैया हमें, भैया क्या कर रहा है भाई। तो हम लोग अभी चल के जा रहे हैं। अरे हम बस में जा रहे हैं या किसी प्लेस में ही जा रहे हैं? नहीं दूसरी प्लेस में है ना, दूसरी प्लेस में जा रहे हैं हम। तो अब हम रोड टू रोड जा रहे हैं और ये लोकल एरिया लग रहा है मुझे, तो मार्केट वगैरह सब है यहाँ पे। रोड टू रोड जो चीज़ें आती रहेंगी हम लोग वहाँ जाते रहेंगे। हमारे गाइड भी सबसे आगे चल रहे हैं हमारे। अभी इस वक्त हम लोग हैं मार्केट एरिया में, अब इसकी मेंटेनेंस चल रही है तो हम लोग यहाँ जा नहीं सकते। कौन सा फोर्ट है ये? भद्र फोर्ट। अच्छा मिस हो गया यार, पीछे से थोड़ा आगे आ जाइए। चलो कोई नहीं, रास्ता ब्लॉक ना हो तो भैया बताएंगे इनके बारे में। तो इसकी जो बनावट है वो 1411 से लेके 1417 के बीच में हुई, जब अहमद शाह गुजरात का और एक राज्य था, स्टेट था पाटन, वहाँ से अहमदाबाद आए थे, ठीक है। तब उन्होंने रहने के लिए एक जगह चुनी थी, वो ये वाली जगह चुनी थी कि यहाँ पे हमें रहना है। तो इसका फिर निर्माण हुआ। इसके अंदर बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे हाथी घोड़े सैनिक वगैरह रह सकते थे। उसके अलावा छोटी छोटी जो विंडोज रखी है अंदर, वो सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से रखी गई है, जहाँ पे सैनिक खड़े रहते थे। सेम उसके ऊपर भी सैनिक टोप वगैरह लेके खड़े रहते थे। सेकेंड थिंग कि अहमदाबाद में जो लाइट का पहला जो बल्ब जला था वो इसी के वॉच टावर में है, ठीक है, वॉच क्लॉक वहीं पे जला। ये जो मंदिर है वो बंदरकाली मंदिर है, ठीक है। जिसको अंदर जाना है वो जूते निकाल के अंदर जाके वापस यहीं पे आते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर की। गाइस बहुत बड़ी मार्केट है, देख सकते हो आप लोग। अभी तो 11 बज रहे हैं और हम लोग मंदिर जा चुके हैं। मंदिर से आगे गाइड और भैया बताएंगे कहाँ जाने का है, बट हम अभी मार्केट में घूम रहे हैं और यहाँ के अमरूद खा रहे हैं जो कि अंदर से रेड है। ये है तीन दरवाजे, ये इन्हीं की तो बात कर रहे थे सर गाइड भैया। ये है मेरे पीछे तीन दरवाजे, अब हमने इनको क्रॉस कर लिया है, अब आगे जा रहे हैं। मार्केट कंटिन्यू है, तब से मार्केट ही है। हमें मास्क पहनने की। हम लोग पहुंच चुके हैं जामी मस्जिद। ये लोग आ चुके हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं जामी मस्जिद। सेम मी टू, हाँ ऐसी है, बट उससे इससे भी बड़ा है लेकिन वो भैया मतलब एरिया बहुत ज्यादा है, बड़ा एरिया है। बहुत बढ़िया बिल्ड किया हुआ है, मतलब क्लीन कर रहे हैं वो, देखो मोर के पंख से क्लीन कर रहे हैं। अरे हाँ मोर का पंख ले रखा है अंकल जी ने, देखिए मोर के पंख से सफाई हो रही है।
सर यहाँ के सोन पापड़ी लिए भैया ने, दिखाओ भाई कैसी है दिखने में, रेडन कर रेडन के वाले तुमसे ना खुलेगा आज, ये लग रहा है पूरी ले लेगा चार चार है। कैसी है भाभी? अरे बुढ़िया के माल है भाई ये। ये टेंटेड है अब ये सोन पापड़ी है, मुझे बुढ़िया के बाल जैसे लगे थे, सोन पापड़ी है बट अच्छी है। कैसे लग रही है ध्रुव? गोलगप्पे तो हम वापस बस से बैठ चुके हैं। यस अच्छा हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक भवन। अरे वाह, हम लोग पहुंच चुके हैं कनकरिया लेक। यह है कनकरिया लेक। ओ फिश है नीचे क्या? वो हाँ, ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रही है नीचे फिश भी है। हाँ बहुत मछलियां हैं। चले क्या आगे? हिटते रहो। और ये बैठे हुए सारे हमारे प्लेयर्स अंदर अंदर आ सकते हैं। ये एक और बार बोलो ना, एक और बार, एक और रुक जाओ जब चलेगा थोड़ा एक
गाइस हम लोग कनकरा लेक से वापस बस में आ चुके हैं और इंटीरियर बहुत अच्छा है। हाँ इंटीरियर अच्छा है, हम फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं अंदर, सबसे हम ऊपर ही बैठ रहे थे। बस अंदर से स्ट्रक्चर ऐसे बनाया गया था कि एक को धक्का देने से दूसरा भी हिलता था। फिर 1751 में युद्ध हुआ, मराठा और मुगल हुआ था, तो जो स्ट्रक्चर था वो पूरा टूट गया, उसकी बंद हो गया। इन फ्यूचर अगर ये गिर जाए तो कैसे दिखते थे, इसके लिए एक डेमो कॉपी भी बनाई गई है जो कारुपुर रेलवे स्टेशन के एक बाजू में है। सेठ हरदीप सिंह का डेरा था, यानी कि इस तरह से मंदिर। अब सेठ हरदीप सिंह एक नाम है जो खुद टेक्सटाइल बिजनेस मैन थे, बहुत बड़े। 1800 की बात है तब वो बहुत बड़े बिजनेस मैन थे। वो खुद राजपूत धर्म से बिलोंग करते थे, फिर उन्होंने जैन धर्म के बारे में सुना, पढ़ा, देखा, उसके बाद उन्होंने जैन धर्म है वो एडॉप्ट किया था। जैन धर्म एडॉप्ट करने के बाद उसके पास जो भी सारी संपत्ति रही थी उन्होंने डोनेशन में दी थी, और कई सारी ऐसी चीज़ें बनवाई थी जिसको पब्लिक सेक्टर में उपयोग हो सके। जैसे कि एशिया की जो सबसे बहुत बड़ी हॉस्पिटल है सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में, वो उन्होंने बनवाई थी। उसके अलावा जो गर्ल्स स्कूल है वो उन्होंने बनवाए थे। निजी मंदिर है वो बना था 1848 में। इसका जब काम चल रहा था तभी जो बनवा रहे थे हरदीप सिंह जी, उनका देहांत हुआ था जब वो 1949 से चलते। फिर उनकी वाइफ थी, उन्होंने आगे काम काम कोई भी काम था उन्होंने आगे। होटल तो रैन, तो गाइस हम लोग होटल में आ चुके हैं और यहाँ हमें एक घंटे का मिला हुआ है कि टाइम आप ले सकते हो, और ये आपको बीच में ही अपनी जर्नी के बीच में ही आपको मिल जाएगा टाइमिंग। उसके बाद फिर आप घूमने के लिए जाते हैं हम लोगों को फिर सके। तो हम लोग अभी कुछ बैठे हुए हैं, कुछ अभी गए हुए हैं, और ये लंच इसमें इंक्लूडेड नहीं है, आपको अपनी तरफ से ही लंच करना है। लास्ट क्वेश्चन, कैसा था खाना, अब ये बताओ। मजा आ गया नीरज, लस्सी पी रहे भी तो मस्त था। अब ना लास्ट में लस्सी पियेंगे हम। तो हम लोग आ चुके हैं गांधी आश्रम, हम जहाँ पे आए वो है साबरमती आश्रम या फिर गांधी आश्रम। गांधी जी ने ये बनाया था, छापा था, जो गांधी आश्रम साबरमती नदी के किनारे पहुंच चुका है, साबरमती आश्रम भी कहते हैं।
तोते। यार मुझे चाहिए। तो दोस्तों हमने वो भी जगह देख ली है जहाँ पे गांधी जी रहा करते थे एंड यहाँ से ही सब कुछ किया करते थे हमारे भारत के लिए। नाउ ये है साबरमती रिवर, तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन थी। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके बाय।